नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, दैट इज़ फ्रॉम मिस्टर CHB एंड द अपडेट इज़ फॉर रिगार्डिंग द बैंकिंग, नॉट फॉर द पेंशनर्स। तो पेंशनर्स के लिए यहाँ पे अपडेट नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आस्किंग सर आप टाइटल ऐसा करते हो। तो ये मिस्टर CHB की नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल अपडेट फ्रॉम ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। दिस है न्यूज़ हैज़ नो रिलेशन टू द पेंशन, तो पेंशन्स के लिए नहीं है इसमें कुछ भी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, आपको पता होगा दोस्तों, 24 फरवरी का ये नोटिफिकेशन है। सो यहाँ लेटेस्ट अपडेट है, दैट इज़ बींग रिटर्न टू चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस ऑफ CLC न्यू दिल्ली रिगार्डिंग द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस दैट इज़ बींग कंटिन्यू इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र आवर लेटेस्ट 17 डेटेड 14th ऑफ फरवरी सीकिंग योर इंटरव्यूशन। सो वी ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू अवर अबव लेटर ऑन द इंक्रीजिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड द इंक्रीजिंग इंस्टांसेज ऑफ अटैक। सो वी हैड इन्फॉर्म यू दैट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड इंस्ट्रक्शन दैट फॉर 3 days ऑफ यूनियन ट्रेड यूनियन स्ट्राइक 8 day सैलरी विल बी डिडक्टेड। तो 3 दिन की स्ट्राइक के लिए उनके लिए 8 दिन की जो सैलरी उनकी यहाँ पे डिडक्ट हो रही है फ्रॉम द सैलरी बी एडिंग द प्रीफिक्स एंड सुफिक्सिंग सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज। सो द इशू वॉज टेकन बाय द यूनाइटेड फॉर्म ऑफ महाबैंक यूनियन विद द डिप्टी CLC मुंबई फॉर द इंटरवेंशन। सो एज पर हिज एडवाइस द RLC मुंबई सीज द इशू एंड इन टू कंसाइलेशन। सो ड्यूरिंग द कंसाइलेशन द RLC क्लियरली एडवाइज एंड अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोसीडिंग्स दैट द बैंक शुड नॉट मेक सच रिकवरी। सो द इशू इज स्टिल अंडर कंसाइलेशन बट इन द मीन टाइम द सैलरी फॉर द करंट मंथ वाज पेड टूडे एंड फॉर द ऑफिसर्स द बैंक हैज रिकवर्ड 8 day सैलरी। तो यहाँ पे 3 दिन की स्ट्राइक के लिए उनके 8 दिन की सैलरी यहाँ पे डिडक्ट हो रही है। सो ऑलरेडी इन वायलेशन ऑफ द ID एक्ट एंड TU एक्ट दे आर रिफ्यूजिंग टू डिस्कस विद द इलेक्टेड ट्रेड यूनियन ऑफिस बेयरर्स एंड यूनियन ऑफिसर्स हैज़ बीन फोर्सफुली इविक्टेड। सो वायलेशन ऑफ बाईपार्ट सेटलमेंट कॉन्टिन्यूज। सो द इशू वॉज डिस्कस्ड इन द सेंट्रल कमेटी मीटिंग ऑफ AIBEA एंड व्यूड द सेम सीरियसली एज अ डेलिबरेट अटैक ऑन अवर ट्रेड यूनियंस एंड अवर लेजिटिमेट राइट्स। सो वी आर अफ्रेड डैट इफ द मैनेजमेंट कॉन्टिन्यू विद सच लीगल सॉरी इलीगल एंड अनफेयर प्रैक्टिस नॉट ओनली जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वो आगे डिटोरेट दोस्तों होते रहेंगे। सो वट दिस विल ऑल्सो लीड टू सपोर्टिव एजिटेशन एंड एक्शंस इंक्लूडिंग दो स्ट्राइक्स एक्शन बाय ऑल अदर बैंक एम्प्लॉयज एट द कॉल ऑफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। सो हैंस बी सीक योर अर्जेंट एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन इन द मैटर टू अवॉइड सच पार्टिसिपेशन फ्रॉम अवर साइड। सो मिस्टर CHB की तरफ से तो यहाँ पे एक बड़ा ही डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो सिचुएशन बन गई है इन द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हालांकि बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा ये बेस्ट परफॉर्मिंग है। एडवांस नियर बाय 20-30% में ग्रोथ कर रहा है, डिपॉजिट टू इज़ ग्रोइंग लाइक यू नो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो बैंक का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पे जो यूनियन उनकी जो मैनेजमेंट है 3 दिन की स्ट्राइक के लिए यहाँ पे अभी उनकी 8 दिन की सैलरी सॉरी 8 day राइट, तो 8 दिन की जो सैलरी उनकी यहाँ पे डिडक्ट हो रही है। सो इसी के चलते मिस्टर CHB का जो इंटरवेंशन है इस मैटर में आया है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल सर्कुलर, उन्होंने सर्कुलर के रूप में से यहाँ पे साझा करा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ।